पानीपत फिल्म के अंदर महाराजा सूरजमल का जो चित्रण दर्शाया है वो बिल्कुल विपरीत था। पूरा देश में तहलका मच गया इसी बात को लेकर के। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उन बॉलीवुड फिल्मकारों को एक चेतावनी के रूप में ये कह देना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल को कौन इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं जानता। महाराजा सूरजमल के वंशज, महाराजा सूरजमल के वीर योद्धा आज मेरे सामने बैठे हैं बुजुर्ग, जिन्होंने महाराजा सूरजमल जी के साथ में जाकर दिल्ली को फतेह किया था। उन इतिहासकारों को, उन बॉलीवुड के लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ कि ये हमारा हिंदुस्तान का शेरे राजस्थान के भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को कैसे फतेह किया था। अकबर बादशाह शाहजहां महाराजा सूरजमल की धाक को देखकर घबरा गया, और जब महाराजा सूरजमल काबू में नहीं आता दिखा तो उस पापी ने धोखे से वार किया और महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हीं के बेटे चभार सिंह युद्ध करने के लिए जाते हैं। युद्ध से पहले कुछ अनबन थी परिवार के अंदर। एक धूम सिंह नाम का गुर्जर, धूम सिंह नाम का एक गुर्जर जो कि चभार सिंह का सच्चा मित्र था, वो न्यू कहता है गुर्जर, एक भाई मेरे चभार सिंह, अगर तूने इनकार कर दिया लड़ने से तो बहुत बड़ा चारा हो जाएगा, क्योंकि जो अहमद शाह जो सोचे बैठा है हिंदुस्तान में मेरे सिवा कोई शेर नहीं है, तो तुम्हें वो ताकत दिखानी होगी। और एक बात और कैदी सरदारों ध्यान से सुनना, एक बात ये कही चभार सिंह से कि मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सरपैन अशोभा देती तेरे आप की पगड़ी, आज जो तू पगड़ी सजो रहा है मूछों में ताब दे रहा है, तो सुन कि ये सरपैन अशोभा देती तेरे आप की पगड़ी, अरे दिल्ली में ठोकर खावे भाई मैं तेरे बाप की पगड़ी, तेरे बाप की पगड़ी, तेरे पिताजी की पगड़ी तो दिल्ली में ठोकर खा रही है और तू यहाँ पगड़ी को सजो रहा है। कैसे कैसे बोल घड़े कवि ने, एक भी लाइन ठीक लगे तो सरदारों मुझे पैसे देकर के सम्मानित मत करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सच्चे सिपाही हो, अभी 25 दिसंबर महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस गया है, अगर सच्चे सिपाही हो तो उन्हें ताली बजा करके सच्ची श्रद्धांजलि दे देना महाराज सूरजमल को। सुनेंगे ये रागनी में क्या कहा धूम सिंह ने महाराज चभार सिंह से, ये बात कही। रे मत टाल जवाहर करना, ने कह दिया कि इनकार मत कर देना मेरे दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती का कसम। हो रे मत टाल जवाहर करना, रे हो से बात के कारण मरना टेम आजे खोटे आ गए, अगली लाइन कितनी मार में कही धूम सिंह गुर्जर ने, अरे दिल्ली में मारे बाबा रे शेर को शार खा गए, मत टाल जवान करना, हो से बात के कारण मरना टेम आज खोटे आ गए, अरे दिल्ली में मारे बाबा रे शेर को शार खा गए, मत टाल हर करे। बड़े भाई भी हैं, 501 रुपए से महाराजा जवाहर सिंह की रागनी पर और धूम सिंह जी के कहने, धूम सिंह गुर्जर के बोलों पर मुझे 501 रुपए से सम्मान किया है भाई भगवान सिंह ठेकेदार साहब का, भाई जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिए साथियों, जोरदार तालियां। और न्यू कह दिया धूम सिंह गुर्जर ने, मेरे भाई तू अपने आप को अकेला मत समझ, क्यों
तेरे साथ कौन है, कैसे कैसे कहां कहां के योद्धा तेरे साथ लड़ने के लिए जाएंगे, के बताया। इज्जत मिल जा कती धूल में, ये दुश्मन मौका पा गए की बदमाशी मिलेगी मुगलों के घर हाजी छुड़ा दे दोस्तों की बदमाशी जुलम के बाहर जाएगी। जवाहर सिंह ने मुंह फेर लिया लेकिन न्यू कह दिया कि हे मेरे दोस्त हे मेरे वीर, अगर तू ही इस प्रकार से मुंह फेर लेगा तो इस दुनिया में तेरे सिवा हिंदुओं का रक्षक कौन बनेगा। और न्यू कहा करते हैं, मेरे भाई बगैर दूल्हे के बारात सुनी है, हमें तू एक दूल्हे के रूप में चाहिए ताकि उस अहमद शाह की दाढ़ी को पकड़ के हम सब हिला देंगे, उसे बता देंगे कि महाराजा सूरजमल का वध किस प्रकार से धोखे से किया जाता है। तो अगली बात में न्यू कहने लगा धूम सिंह गुर्जर के दहशत को ना होती कागना खाया करते मोती शेर के, दहशत को ना होती कागना खाया करते मोती भारत पर मातम छा गए
सोर तेरा नाम से आज जय करन तेरा जग में होलिया सोर तेरा सूर्य